आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्यों हमारा स्मार्टफोन समय के साथ साथ धीरे चार्ज होने लगता है। इसको पूरा जानेंगे अच्छे से डिटेल में, और आप जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए अंत तक के। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा देखने को मिलते रहे। और मैं मैक आपका स्वागत करता हूँ टेकवाइंस में। हम न्यू स्मार्टफोन लेके आते हैं और वो फ़ोन 1 से 2 घंटे में फुल चार्ज होने लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय होते जाता है वही फ़ोन 3 से 4 घंटे में चार्ज होता है और डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाता है। फिर हम शॉप में जाते हैं उसको रिपेयर कराने के लिए, शॉप वाला बोलता है आप 1 से 2 दिन दीजिए, वो सिर्फ आपकी बैटरी को चेक करता है और उसके बाद आपसे अच्छा खासा अमाउंट चार्ज कर लेता है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा कि आप घर बैठे अपने फ़ोन की बैटरी को चेक कर सकते हैं और वो अच्छा खासा अमाउंट बचा सकते हैं। फिर बात करते हैं आपके बैटरी के बारे में, बैटरी का साइज़ क्या है, उसकी कैपेसिटी कितनी है और वो कौन से टाइप की है। साइज़ फ़ोन के साइज़ के हिसाब से पता चलता है कि बैटरी कैसी होगी, लंबी होगी चौड़ी होगी, वो फ़ोन के ऊपर डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद उसका एमएएच कितना है, कैपेसिटी कितनी है जो हम एमएएच में काउंट करते हैं, और उसके बाद किस टाइप की है, फॉर एग्जाम्पल लिथियम आयन की है या लिथियम पॉलीमर की है। और आज के डेट में सबसे ज़्यादा लिथियम पॉलीमर ही यूज़ होता है क्योंकि वो सबसे एडवांस और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो आपके फ़ोन में भी वही बैटरी यूज़ होती होगी। अब बात करते हैं बैटरी की पावर के बारे में। बैटरी की एक लाइफ होती है जो कि उसको लाइफ साइकिल में काउंट करते हैं, जो भी हो सकता है 1000 लाइफ साइकिल, 2000 लाइफ साइकिल, ये डिपेंड करता है आपके बैटरी की एमएएच कितना है। और जैसे जैसे समय होते जाता है ये पावर कम होते जाता है, और पावर जब कम होने लगेगा तो ऑब्वियस ही बात है बैटरी की क्षमता कम हो जाएगी, वो चार्ज ज़्यादा देर नहीं रह पाएगी होल्ड, तो ऐसे में आपका फ़ोन जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। और फिर जब केमिकल में एनर्जी नहीं बचती है पोटेंशियल्स को स्टोर करने की, तो वो फिर चार्ज भी जल्दी नहीं होते हैं। तो यही मेन कारण होता है कि वो चार्ज जल्दी नहीं होते हैं। तो मैं आपको ऐसे कुछ इजी स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करिए और आप अपने फ़ोन की बैटरी की पावर कैपेसिटी कितनी है आप जान सकते हैं घर बैठे। उसके बाद फिर आपको उसके साथ क्या करना है, उसको शॉप ले जाना है या आप घर में ही उसको रिपेयर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सबसे पहले हम अपने चार्जिंग एडेप्टर को चेक करेंगे, वो कहीं से टूटा तो नहीं है या उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, या वो चार्ज के टाइम पे अनवांटेड हीट तो नहीं हो रहा है। अगर वो एक्स्ट्रा हीट हो रहा है तो आप समझ जाइए इसके अंदर फॉल्ट है, आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए ये भी सही है तो फिर आप अपने केबल को देखते हैं, जो कि है ये USB केबल, और ये USB केबल को आपको चेक करना है कि कहीं से इसमें कहीं मार्क्स तो नहीं आ गए हैं इधर उधर मुड़ने के, या फिर इसके जो टाई एंड्स होते हैं वो परफेक्ट हैं कि नहीं परफेक्ट हैं, तो आप इसको भी देखिए। अगर ये भी परफेक्ट है तो उसके बाद फिर आपके शायद फ़ोन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए चलिए हम फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हम अपने फ़ोन में आ चुके हैं, अब इसमें हमको जानना है कि कैसे फ़ोन की बैटरी को ठीक करना है। तो उसके लिए हम देखेंगे एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है AMPERE, और ये एप्लीकेशन का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल करके रखा है, और उसके बाद फिर जब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो देख सकते हैं अभी ये मेजरिंग दिखा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा आपके फ़ोन की बैटरी की कैसी है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, जैसे बैटरी का स्टेटस क्या है, प्लग्ड है कि नहीं है, लेवल कितने है अभी, हेल्थ बैटरी की कैसी है, टेम्परेचर क्या है और वोल्टेज क्या है। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे काम की नहीं है, हमको सिंपली इसमें एक चीज़ देखना है जो मैं भी आपको वीडियो के आगे बताऊंगा, तो उससे आप पता कर सकते हैं आपकी फ़ोन की बैटरी की हेल्थ क्या है और वो कैसे काम कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत सारी एडवांस लेवल पे है, बहुत अच्छा है एप्लीकेशन का फीचर, लेकिन ये हमारे उतना काम का नहीं है। चार्जर केबल को प्लग करते हैं, तब ये मेजरिंग हो गया, ग्रीन कलर का इसका आप UI हो गया देख सकते हैं, और ये थोड़ा टाइम लेता है, ये मेज़र करेगा कि आपके वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके फ़ोन पे। अगर वोल्टेज सही आ रहा है तो इसका मतलब आपका फ़ोन परफेक्ट चार्ज हो रहा है, उसको इनपुट परफेक्ट मिल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहाँ पे देखिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं 750 mAh हो गया है, MA मतलब मिली एम्पियर, थोड़ा टाइम लगता है इसको देखने, और धीरे धीरे ये बताएगा कि आपके फ़ोन में इनपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे आप पता कर सकते हैं कि आपका चार्जर और आपका जो केबल है वो सही है और आपके फ़ोन तक करंट सही आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ये चार्जर सही नहीं होगा और वायर में कुछ फॉल्ट होगा तो आपके फ़ोन में इनपुट सही नहीं आएगा, तो ऐसे में आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, फ़ोन में प्रॉब्लम है या फिर आपके केबल या फिर एडाप्टर में प्रॉब्लम है।
और फिर आपका मान लीजिए अगर इस प्रोसेस से भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम सेकंड मेथड यूज़ करते हैं जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल। इस मेथड में ये होगा कि आप अपने यूएसबी केबल को चेंज करके देखिए, दूसरे केबल से आप चार्ज करके देखिए, उसके बाद देखिए कि ये कितना टाइम ले रहा है चार्ज होने में, और फिर उसके बाद अगर केबल भी सही है तब अडैप्टर भी चेंज करके देखिए, और अगर अडैप्टर भी सही है तो फिर आप समझ जाइए कि आपका अडैप्टर सही है, केबल सही है, तो फिर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम हो सकता है फ़ोन की बैटरी। तो उसके लिए फिर आपको फ़ोन को सर्विस सेंटर देना पड़ेगा और आप वहाँ पे देख के ईजिली बना सकते हैं। दोस्तों ये सिंपल सी ट्रिक है, आप भी इसको अप्लाई करिए और मेरे को आप बताइए कि आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा देखने को मिलते रहें। और आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप मेरे को DM कर सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।